हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो शाम के बज रहे हैं 7 और आज है 29 अगस्त। हम लोग चल रहे हैं रक्षाबंधन शॉपिंग के लिए। परसों जो शॉपिंग इससे पहले के जो आपने ब्लॉग देखे हैं उसमें मैंने मेरे बच्चों के लिए कपड़े लिए हुए थे, मतलब प्रत्युष के लिए और मेरी बिटिया रानी प्रियू के लिए। आज चल रहे हैं नेहा के लिए और ननद रानी के लिए शॉपिंग करने। देखते हैं क्या कुछ लेते हैं, शाम के इतने हो गए हैं। और दीप के लिए भी लेना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ प्रोग्राम है, यानी सितंबर में। तो जो कुछ भी लेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी बिटिया रानी रो रही है, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, बात कर लूँ, लेकिन देखो जग गई हैं। तो मैं आप लोगों से रास्ते में मिलती हूँ, तब तक आप देख लीजिए। कल शाम में हम लोग लुलू मॉल गए थे, थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे, तब तक आप वाली क्लिप देख लो, इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। सो रात के देखो कितने बज गए, 8:10 और हम लोग आए हैं ननद रानी के लिए साड़ी लेने। हेलो हेलो, लेमन में भी लास्ट नहीं भी अलग है। हाँ ठीक बिक गया भैया, चलो क्या हुआ? हरका मम्मा चाहे बेटा, नानी को परेशान करना, मम्मा आ रही है। हाँ तो अब हम चल रहे हैं ऊपर, चलेंगे ऊपर ऊपर फ्रिज का। अजीब सा आ रहा है पूरा फेस। सो फ्रेंड्स, हमारी सारी शॉपिंग हो गई, हमने सबके लिए कपड़े ले लिए। अब हम चल रहे थे तो रास्ते में हमें एक दुकान दिख गई जहाँ पर अच्छी अच्छी राखी प्लस लड्डू गोपाल के बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े दिख रहे थे। तो हम मम्मी को अच्छे लगे तो मम्मी ने कहा कि रुक जाओ ले लेते हैं, तो यहाँ पर बस वही लिया जा रहा है। मैं यहाँ पर बच्ची को फीड करा रही थी इसलिए मैं कार से बाहर नहीं आई। तो अब हमने यहाँ से कपड़े भी ले लिए, अब चल रहे हैं रूम पर। रूम पर चल के आप लोगों से मिलते हैं, फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, रात के बज गए 11, मतलब 5 मिनट बाकी है। हम जस्ट आ रहे हैं मार्केट से, हमने बहुत सारी शॉपिंग की हुई है। तुमको बाबू वाला तो हम आपको जो है सुबह दिखाएंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं डिनर करने, थोड़ा लेट हो गया, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, सिर दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, दो दो बच्चे हो गए हैं। तो चलो डिनर करते टाइम आप लोगों से मिलते हैं। सो गुड आफ्टरनून, 12:15 हो रहा है और आज है 30 अगस्त। कई जगहों पर आज राखी मनाई जा रही है, कई जगहों पर कल, वीडियो आज ही जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपके यहाँ कब मनाई जा रही है, ताकि मैं भी उस हिसाब से अपना देखूं सोचूं। वैसे आज रात में ही मनाई जाएगी, 7:30, मतलब 8:30 के बाद ना मम्मी। और कल 7:30 तक ही है और मेरी बिटिया रानी सो गई है, मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने। जो वीडियो आप लोग देखोगे, मैंने ननद रानी के लिए क्या कुछ लिया, बिटिया रानी के लिए क्या कुछ लिया, नेहा के लिए, तो नेहा से मैंने पूछा क्या चाहिए। तो नेहा को जितना उनके नेसेस की चीज़ें थी वो उनके पास है, लाइक गोल्ड की चैन पिछले साल हमने गिफ्ट की ही हुई थी, और इयररिंग उनके पास है ही जो कि वो कभी नहीं पहनती हैं, और गोल्ड में उनको कुछ नहीं चाहिए था, डायमंड में उनको कुछ नहीं चाहिए था। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था पिछले वीडियो में, खुद की बेटी हो गई तो जेठानी की बेटी को दरकिनार कर दी, उसके लिए कुछ नहीं लेती। तो मैं आपको बता दूँ,
जून में नेहा का बर्थडे होता है, मैंने उनको गिफ्ट किया हुआ था। नेहा ने छठी वाले ब्लॉग में ऑलरेडी बोला हुआ था, तो उनके लिए मैंने काफ़ी सारे कपड़े लिए हुए थे, इवन मैंने वीडियो भी शूट किया हुआ है। बट उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उससे पहले ही प्रीमैच्योर लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, आप लोगों ने देखा था, हम एडमिट हो गए थे नेहा के बर्थडे से पहले ही, और एक दिन पहले ही हम आए थे। लेकिन जब मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी उससे पहले भी, मैंने नेहा के लिए जो है उससे पहले ही मैंने प्लान किया था कि नेहा का बर्थडे आ रहा है तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है, तो वो वीडियो ऑलरेडी सूटेड है। अगर आप लोग बोलेंगे, प्राइवेट में अपलोड भी है, मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे कपड़े उनके लिए लिए हुए थे, और नेहा मेरे पास रह रही हैं, वो एक से बढ़ के एक कपड़े पहनती हैं, आप देखते ही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब भी उनके लिए कुछ लेके आऊँगी वीडियो बना के डालूँगी। ऑलरेडी उनके पास फ़ोन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए थी। उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि नहीं चाची मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी मैंने उनके लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए हुए। आप लोग बोल रहे थे पिछले वीडियो में, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बिटिया रानी सो रही है, मैंने मम्मी को लगा दिया है ड्यूटी पे, मम्मी लेटी हैं, बिटिया रानी को देख रही हैं, और हम चल रहे हैं फटाक से वीडियो शूट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं साड़ी पहनूंगी, साड़ी पहन के फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम हो गए तैयार, कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। सो घड़ी वो कहाँ से ली गई, अच्छा ये है, हाँ ये रही। इतना टाइम लगा रेडी होने में, तो अब चल रहे हैं फटाक से वीडियो बनाने, आप सभी को दिखाएंगे। और ये साड़ी देख के आप लोगों को कुछ याद आया कि नहीं, ये साड़ी मेरी काफ़ी पुरानी है। एक्चुअली बीच में मोटे हो गए थे तो ये ब्लाउज मुझे आ नहीं रहा था। ये शायद 2 साल या 3 साल पुरानी साड़ी है, 2 साल तो हो ही गया होगा, बट अभी मेरा वजन जो है पहले जितना हो गया, तो ये साड़ी एकदम फिट आ गई मुझे ब्लाउज इसका, तो मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नेहा के लिए, ननद रानी के लिए और मेरे लिए क्या कुछ लिया हुआ है। इसके पहले के ब्लॉग में मैंने प्रियू का और प्रतीक का दिखाया हुआ था, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला, क्या बोला था नेहा, कि अपनी बेटी आ गई है तो उसको बोल चुकी, जेठानी की बेटी को इग्नोर कर रही हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रही हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आती तुम्हें, कैसे कर सकती हो नेहा के साथ ऐसा, नेहा मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, क्या मतलब हर बार कोई कपड़ा आएगा जिनको दिखाया ही जाएगा। नेहा के बर्थडे पे मैंने इतनी सारी शॉपिंग की हुई थी, बताया ही मैंने, और नेहा ने दोनों जन ने बैठ के शूट किया हुआ था, बट वो सडन फिर वही, हाँ नहीं जो प्री मैच्योर पेन चालू हो गया था, हाँ तो वो नहीं दिखा पाए आप लोगों के साथ। बट ऐसा नहीं है कि हम नेहा के लिए कुछ नहीं लेते हैं, इवन पहली बार, शायद दूसरी या तीसरी बार मैंने प्रत्यु की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैं ये सब मैं दिखाना ही मैंने बंद कर दिया हुआ था। इसके पहले के ब्लॉग में आया था, एक कमेंट आया था, इन्होंने इतना लंबा कमेंट किया हुआ था, आप मैंने भी देखा था, हाँ तो आप गरीबों में दान कर दीजिए, आपको शायद पता नहीं है मैं करती हूँ। एक बार मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही ज़्यादा बवाल मच गया था कि अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो दान ही होना चाहिए, क्यों वीडियो बना के आप शो ऑफ कर रहे हो, तो इसलिए मैंने वीडियो बना के दिखाना आप लोगों को छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वही चीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, बट आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। अब ज़्यादा बातें ना करते, चलो आपको दिखा देते कि मैंने नेहा के लिए क्या कुछ लिया हुआ। इससे पहले मैंने वीडियो शूट किया, उसमें आवाज़ ही नहीं थी, तो अब मैं फिर से शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले टी शर्ट से स्टार्ट करते हैं, ये टी शर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नेहा तुम्हें कैसे लग रहा है? नेहा नहीं गई थी, मतलब गई थी, कार में बैठी थी, नेहा और मम्मी कार में थी, हम और दीप गए हुए थे, तो नेहा को किसी भी कपड़े का कोई आइडिया नहीं, अभी जस्ट आप लोगों के सामने ही खुला तो नेहा ने देखा। और बिटिया रानी प्रियू के लिए मैंने एक ड्रेस ली हुई है, ऐसे ही मैच कर रहा है, तो कल रक्षाबंधन पर वही पहनेंगी, तो इसीलिए मैंने नेहा के लिए भी ले लिया कि नेहा भी पहन सकती हैं। तो ये मेरी पसंद का है, और लाइलैक कलर का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है कैमरे में, मैंने शायद ब्राइटनेस कम कर दी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, बट ये लाइट कलर है। एक्चुअली ब्राइटनेस ज़्यादा करने पे चेहरा ऐसे लगता है वाइट वाइट सा लग रहा है, इसलिए मैंने ब्राइटनेस बहुत लो रख दी हुई है। इसके बाद तुम्हारे पास ऐसे कलर का नहीं था टॉप ना, है नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। इस बार मैंने खुद से कलर बहुत सिलेक्ट कर करके लिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 मतलब एक सेट है, 4 टी शर्ट है, एक ये हैं, क्रीम कलर में है, और थोड़ा सा ऐसे फ्लावर बना हुआ है। नेहा को वाइट कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने वाइट नहीं लेके थोड़ा सा क्रीम में इसको लिया हुआ है। इसके बाद एक इन्होंने डंगरी, मतलब इनका बड़ा मन था डंगरी पहनने का, तो मैंने इसको लिया हुआ था, और अगर ये पहनेंगी तो वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। अभी तो मैं भी पहन सकती हूँ, नेहा कभी पहनने के लिए दोगी कि नहीं? मैंने आपको बोला था ना
हाँ नहीं पहना मैंने, तुम पहनो। मैं सोचती हूँ कि पहन लूँगी, बट जब मैं पहन लेती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं अपना पहना तुम्हें दे रही हूँ। तो इसीलिए ये है। और दीप ने पहली बार नेहा के लिए कुछ पैंट वेंट पसंद किया हुआ है। उनको पता नहीं कहाँ से बोले नेहा के पास ऐसे पैंट नहीं है ना। मैंने कहा नहीं नहीं है, ऐसे पैंट नहीं है। तो उन्होंने नेहा के लिए इस तरीके से जॉगर स्टाइल में पैंट लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। और इसमें 4 पॉकेट्स हैं, शायद इसीलिए उनको ज़्यादा पसंद आया। 2 पॉकेट्स इधर, 2 पॉकेट्स बैक में है और जॉगर स्टाइल में है। नेहा को आप अधिकांश देखते होंगे सूज पहनती हैं, जब भी ये बाहर निकलती हैं तो सूज के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए शायद दीप के माइंड में चल रहा था। और इन दिनों मुझे इस कलर के साथ प्यार हो गया है यार, कुछ भी हो। मैंने मेरे लिए रक्षाबंधन की साड़ी भी इसी कलर में ली हुई है, और मैं मेरी बिटिया के लिए जो है प्रियो के लिए कितने सारे कपड़े इसी कलर में ली हूँ। और इस टाइम में कलर काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैंने नेहा के लिए एक कलरफुल पैंट लिया। तो इतना मैंने नेहा के लिए लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ननद रानी के लिए मैंने क्या कुछ लिया हुआ है। अच्छा, अभी सूट तो बाकी रह ही गया। एक ब्लैक कलर का है, लेकिन इसको पहली बार मैं ही पहनूंगी। नेहा को ब्लैक भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो पहली बार तो मैं पहनूंगी, चाहे लोग बोलें कि आप नेहा को दे दियो। तो इसको मैंने गाढ़ा भंडार से लिया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा सूट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको देना है स्टिच, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा, और ये मेरा फेवरेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसको मैं पहनूँगी, या फिर दोनों जन ब्लैक ब्लैक पहनने लेंगे, कुछ ना कुछ मिला जुला के हमारा नेहा का चलता रहता है। और मैंने ना सोचा था कि रक्षाबंधन पे नेहा इसे पहन लेंगी, बट स्टिच नहीं हुआ। और मेरी तबीयत आप सभी को पता है अभी थोड़ा ठीक अब जाके हो रही है, तो ये जो है थोड़ा डार्क भी लगता है, ब्राइड कलर लगता है, सो इसलिए नेहा को ये नहीं पसंद आया, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पूरा खोल दूँगी तो पूरा बिखर जाएगा, बट चलो मैं आपको खोल के दिखा ही देती हूँ। इस तरीके से है, इस स्टिचिंग के लिए इसको देने जाना है, और देखते हैं कब हमारा जाना हो पाता है। हाँ, तो ये इस तरीके का दुपट्टा है, हाँ लहरिया दुपट्टा है। अब मैं आपको साड़ियाँ दिखा रही हूँ, बट सॉरी मैं साड़ियाँ ओपन करके नहीं दिखाऊंगी। तो फर्स्ट साड़ी हमारी ये है, 5 मिनट का वीडियो अभी हो गया है। और ये वाली साड़ी दीप ने मेरे लिए ली हुई है। साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा कलर इसका इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इस तरीके का है, ओपन नहीं करूँगी, जब पहनूँगी तो आप लोग देख लीजिए। ब्लैक नहीं है, वाइन भी नहीं है, डार्क पर्पल एंड वाइन कलर मिक्स करके है। हाँ, इसके बाद थर्ड साड़ी हमारी ये है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, देखिए आप। तो कुछ इस तरीके की ये साड़ी है। इसके बाद फोर्थ साड़ी हमारी ये दीप ने पसंद किया होगा मेरे लिए, उनको डार्क जो मेहंदी कलर है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए ये साड़ी ली हुई। मैं नहीं ले रही थी जब, हाँ, बट उन्होंने ज़बरदस्ती करके वाली साड़ी ली हुई है। तो ये हो गया, और ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये थोड़ी सी सस्ती है बट अच्छी है, इसका ब्लाउज भी बन के आ गया। तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, जैसा कि मैंने बताया इस टाइम पिंक कलर काफ़ी ट्रेंड में है, तो ये हो गया। इसके बाद एक साड़ी ये है, ये वाली, तो ये वाली साड़ी, और दोनों सेम लग रही होगी बट सेम नहीं है। तो ये थे वो सारे, सब हो गया ना, क्योंकि कुछ बचा हुआ है, आई थिंक सब हो गया जो मैंने। अच्छा, अभी एक ये वाली साड़ी रहने दो, मेरी साड़ी है, बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, किसी फंक्शन के लिए है। तो ये था जो मैंने गिफ्ट के लिए लिया हुआ था रक्षाबंधन के लिए, और ये वीडियो आज ही जाएगा, 1 बज गया अभी, देखते हैं कितने बजे जाएगा, 1:30 या 2 बजे तक जाएगा। और आप लोग रक्षाबंधन कब मना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके कुछ सवालों का मैंने जवाब भी दे दिया। यार प्लीज़ बंद कर दो, पहले नेहा मेरे साथ में रहती थी, अगर 1 गिलास पानी दे देती थी तो जेठानी की बेटी करके आप लोग बवालना चाहते थे। और इसके बाद अभी मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है यार, 29 डेज की है, आप लोग उसको और नेहा को कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपकी सोच दर्शाती है कि आपकी सोच कैसी है।
अब तो लग रहा है कि मेरे लिए और भी ज़्यादा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कुछ प्रियू का दिखाऊंगी, नेहा का नहीं दिखाऊंगी। नेहा प्रियू आप लोग करोगे। अच्छा हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप अपने बिटिया का क्या नाम रखे हो, तो अभी उसका जो बुलाने वाला नाम है प्रत्यूष ने ही रखा हुआ है। प्रियो, प्रियो, पीहू दो नाम है उसका, और अभी ऐसे कोई नाम है नहीं, तो देखते हैं क्या रखते हैं। जो भी रखेंगे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। कल नहीं, सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू।